नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इकोनॉमी की ये दूसरी वीडियो है जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स की सीरीज सारी अपलोड हो चुकी है, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। और इकोनॉमी की अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टी प्लस वन सेटलमेंट साइकिल वाज इन द न्यूज रिसेंटली। इट इज बेस्ट डिफाइंड एज इट इज अ ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट दैट मस्ट बी डन विद इन अ डे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बैंक एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। इट इज अ सेटलमेंट फॉर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन द इंटर बैंक मार्केट। द सेटलमेंट विच ड्रैग्स डाउन एक्सपोर्ट डिमांड एंड ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड। तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो है वो सही आंसर है। तो टी प्लस वन सेटलमेंट साइकिल मीन्स कि ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट मस्ट बी डन विद इन 24 आवर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक शेयर बॉट करते हैं, सपोज लेट्स से फ्राइडे को, देन इट वुड बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स डीमैट अकाउंट ऑन सैटरडे। तो 24 घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाएगी विद इन द कंप्लीशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सो इससे बेनिफिट क्या होगा? द शॉर्टर ट्रेड सेटलमेंट साइकिल विल यील्ड बेटर आउटकम्स फॉर द इंडियन इक्विटी मार्केट फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होगा। द शिफ्ट विल बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी एज द रोलिंग ऑफ फंड्स एंड स्टॉक्स विल बी फास्टर। तो स्टॉक भी बहुत फास्ट हो जाएंगे। दिस विल आल्सो हेल्प द इन्वेस्टर्स इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो है इन्वेस्टर्स के लिए ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider following statements about National Coal Index. It is a price index combining the price of coal from all the sales channel, that is notified prices, auction prices and import prices. ये statement सही है। It is released annually, तो नहीं ये annually नहीं, monthly होती है। Wholesale price index does not have a component of imported coal. वॉज द मेन रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द एनसीआई। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसमें इम्पोर्टेड कोल का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, इसीलिए इंट्रोडक्शन की गई थी ना एनसीआई की। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेशनल कोल इंडेक्स एक प्राइस इंडेक्स है कंबाइनिंग द प्राइसेस ऑफ द कोल फ्रॉम ऑल सेल चैनल, दैट इज नोटिफाइड प्राइसेस, ऑक्शन प्राइसेस एंड इम्पोर्ट प्राइसेस। और ये इंडेक्स एक बेंचमार्क देता है फॉर रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैज बीन एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ऑक्शंस फॉर कमर्शियल कोल माइनिंग के बाद में। ये बहुत हेल्प करता है। द इंडेक्स इज रिलीज्ड एवरी मंथ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। एंड द एनसीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर कोल हैज नो कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड कोल। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्टेड कोल के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेन बर्नांकी, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डाइबिक वेर रिसेंटली इन द न्यूज। दे रिसीव स्वर्जिस रिक्स बैंक प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेस 2022। फॉर किसके लिए मिला था? द इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इंटर इन्वेंशन ऑफ द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, ये 2021 की थी। रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही लगता है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ ए कॉजल रिलेशनशिप, एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू द लेबर इकोनॉमिक्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ये बहुत रिसेंट में ही इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज मिली थी। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2022 के लिए पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी द रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, ये इक्विवेलेंट होता है नोबेल प्राइज में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी के लिए मिलता है उसी तरह से इकोनॉमिक साइंसेस के लिए है। वॉज अवॉर्डेड टू 3 अमेरिकन साइंस इकोनॉमिस्ट। तो ये तीनों नाम याद रखना पड़ेगा, या फिर एक क्वेश्चन एक रिवर्स करके भी दिया जा सकता है। साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं, इकोनॉमिस्ट के नाम पूछ सकते हैं। फॉर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था फॉर द रोल ऑफ बैंक्स इन एन इकोनॉमी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, में क्या रोल होता है बैंक्स का। देयर एनालिसिस हैज बीन ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रेगुलेटिंग फाइनेंशियल मार्केट एंड डीलिंग विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। जिस तरह से श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस जूझ रहा है, पाकिस्तान जूझ रहा है, उसी तरह से ये जो स्टडी है बहुत हेल्प करती है बैंक्स का रोल क्या होता है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंगल नोडल एजेंसी. इट इज अ सिस्टम विच ट्रैक ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू स्टेट फॉर सेंटर्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय द सेंट्रल एजेंसी. तो ये स्टेट का और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का तो ऐसा सच कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो सेंट्रल सेक्टर नहीं होगा, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए होगा. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इट हैज अ सेंट्रलाइज्ड कोर एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरी गिविंग फ्रीडम टू द स्टेट्स एंड एजेंसी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट. तो ऑप्शन नंबर डी जो है 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर. तो SNH जो डैशबोर्ड है of the public finance management system launched by the Ministry of Finance as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, SNA dashboard kya karta hai? To which track transfer of funds to states for central sponsored schemes and utilization of funds by the central agencies. ठीक है, तो इसका सेंट्रलाइज्ड कोर होता है और डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरी होता है, ताकि जो भी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी चाहे वो स्टेट हो या कोई और एजेंसी हो, उनको फ्रीडम मिल सके. और इस सिंगल नोडल एजेंसी से एक चीज और भी है कि वो ट्रांसपेरेंसी ला देता है. पहले होता था कि अगर 1 रुपया ट्रांसफर करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक के पास में कुछ पैसे ही पहुंच पाते थे, तो इस वो बीच में करप्शन हो जाता था. तो अब हो रहा है कि 1 रुपया डायरेक्ट पब्लिक के हाथों में मिल जाए, तो इसके लिए गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट हो एंड रियलाइज बेटर वैल्यूज फॉर एवरी रुपी सेंट बाय द सेंटर इन जस्ट इन टाइम मनी रिलीज. ठीक है, तो डायरेक्ट जो ट्रांसफर होती है आजकल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. With reference to millets, consider the following statement. They are highly adapted to a wide range of ecological conditions and thrive well in a rain-fed, arid climate, and they have minimal requirement of water, fertilizer, and pesticides. ये statement बिल्कुल ही सही है. मिलेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्टेटमेंट बहुत अच्छी है. दे आर ग्लूटेन फ्री, ये भी सही है, एंड हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बट लैक प्रोटीन. तो प्रोटीन लैक नहीं करते, प्रोटीन होती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है. The United Nation has declared 2022 as the International Year of Millets. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2023 को International Year of Millet कहा गया है. तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 only is the correct answer. Millets are a group of nutritionally rich, drought tolerant and mostly grown in the arid and the semi-arid regions, जैसे कि western part of India में बहुत ज़्यादा grow किया जाता है, southern region में भी अच्छी खासी होती है. तो जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिलेट्स के. द यूनाइटेड नेशंस 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसमें इंडिया का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. फिर द मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड द कोर सीरियल और द सीरियल्स ऑफ द पुअर. तो ये आज से 20-25 साल पहले एक गरीबों का खाना कहा जाता था, लेकिन आज ये अमीरों का खाना बन चुका है. गरीब नहीं खाते हैं, अमीर खाते हैं इन्हें. इंडियन मिलेट्स आर न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू वीट एंड राइस एज दे आर रिच इन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. फिर इनका और एक बेनिफिट है कि ग्लूटेन फ्री होता है, तो जो भी सेलियाक डिजीज होता है वो पर्सन को नहीं होगा, एंड हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इसमें डायबिटीज के भी चांसेस कम हो जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP. दे आर डिक्लेयर्ड ओनली फॉर रबी क्रॉपिंग सीजन. ऐसा नहीं है, रबी खरीफ दोनों के लिए. दे आर डिक्लेयर्ड वंस अ ईयर, ये भी गलत है. The MSP are announced by the Union Government at the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices. ये statement सही है. तो option number 3, C जो है 3 only is the correct answer. The MSP Government of India fix करती है to protect the producer, that is the farmer, against excessive fall in the price during bumper प्रोडक्शन. या मतलब कि अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड अगर ऐसा नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द कॉमोडिटी जो होगा वो कम हो जाएगा. तो अगर कॉस्ट बहुत कम ना हो जाए, फार्मर्स को उनका जो इनपुट दे रहे, इनपुट मनी है वो ना निकले, इसीलिए MSP फिक्स की गई है गवर्नमेंट को, ताकि उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिले ही जब बम्पर क्रॉप होती है. द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर सर्टेन क्रॉप्स. तो कमेंट सेक्शन में लीजिए कौन कौन से क्रॉप्स के लिए MSP
दी जाती है। दे आर अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन सा नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, नीति आयोग। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो आरबीआई रिलीज करती है रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस और आरबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत सारे लूप होल्स हैं वर्किंग ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेटिंग दैट देयर हैज बीन नो एप्रिसिएबल इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग डिस्पाइट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर नहीं हो पाती है। सिर्फ इस रिपोर्ट में कहा गया मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ओनली प्रिपेयर बजट्स बट डू नॉट यूज देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो ऑडिटिंग सही से नहीं हो पाती है और जो पब्लिक को, अर्बन पब्लिक को जो एसेंशियल सर्विसेज या सर्विसेज मिलनी चाहिए वो उस तरह से क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब लूप होल्स के बारे में म्यूनिसिपल फाइनेंसेस जो कि आरबीआई रिपोर्ट रिलीज करती है। तो इसका आंसर जो होगा RBI ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट सही है। इट इज सेम एज द फिएट करेंसी एंड इज नॉन एक्सचेंजेबल विद द फिएट करेंसी। नहीं, एक्सचेंजेबल है तो नॉन नहीं होगा। इट इज अ फंजिबल लीगल टेंडर फॉर विच होल्डर्स नीड नॉट Have a bank account, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट विल अपीयर एज अ लायबिलिटी करेंसी सर्कुलेशन ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीबीडीसी इज ए लीगल टेंडर, एक टाइप का ये ई नोट समझ सकते, ई बैंक नोट है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, इशूड बाय द आरबीआई इन डिजिटल फॉर्म। इट इज द सेम एज द फिएट करेंसी एंड एक्सचेंजेबल है वन टू वन विद द फिएट करेंसी। और इट इज अ फंजिबल लीगल टेंडर विच होल्ड इन विच होल्डर्स को कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। और ई रूपी विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन रिप्रेजेंटेटिंग क्लेम ऑन द सेंट्रल बैंक। और ये आरबीआई अप्रूव्ड है and will be effectively function as digital equivalent of a bank note that can be transferred electronically from one होल्डर टू द अदर्स। जिस तरह से हमें बहुत सारे ऐप्स में कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, उसी तरह से ये एक ई बैंक नोट है जो कि इजीली हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं फिएट करेंसी के साथ में और साथ साथ में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और भी वीडियोज आने वाली हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।